तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे और आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए एपिसोड में ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग के। तो भाई ये ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग का सीजन 2 है नए एडवेंचर के साथ। तो जैसे कि भाई आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि हम ड्रैगन वॉरियर से मिले थे, हम यहाँ पे अचानक से टेलीपोर्ट हो गए इस अजीब से वर्ल्ड में। भाई इसको क्या हो गया, भाई ये पता नहीं इसको क्या हो जाता, अचानक ये घूमता रहता है, इसको कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। तो लास्ट एपिसोड में हमने बेडरॉक टावर गोलम को हराया था भाई, और वहां से हमें ये तलवार मिली थी जिसका अटैक डैमेज 14 का है। तो अगर आप लोग सोचते हो कि भाई मेरे को अभी तक की बहुत तगड़ी तलवार मिल चुकी है, आपको सच में नहीं पता गाइस, ये तलवार बिल्कुल भी मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी आप सोचते हो। इस वर्ल्ड में बहुत तगड़ी तगड़ी चीज है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी तो मेरा आर्मर भी बिल्कुल वही है, एकदम रद्दड़ वाला आर्मर है जो मुझे ड्रैगन वॉरियर ने दिया था। अबे साले, लेकिन फिलहाल इसको जितना भी रद्दड़ नहीं बोलेंगे भाई, ये ठीक ठाक है, लेकिन अपने आयरन के आर्मर से बहुत ही कमजोर है ये। और हाँ, मैंने अपने फर्नेस को भाई गोल्ड के फर्नेस में कन्वर्ट कर लिया था, ये थोड़े फास्ट है हमारे नॉर्मल फर्नेस से। और ये मेरा लूट है जो अभी तक का मैंने इकट्ठा किया है। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूँ थोड़े से एडवेंचर पे भाई, देखते हैं और क्या पावरफुल चीजें हमारे आसपास। लास्ट टाइम तो हमने बेडरॉक टावर गोलम को हराया था, जहां से अपने को बहुत अच्छी खासी लूट मिल गई भाई। बस मैंने उसको हरा दिया, लेकिन ये नहीं पता मैंने कैसे हराया उसको, बस मैं जीत गया उससे भाई। वैसे आज थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे गाइस, आसपास देखना चाहेंगे भाई हमारे आसपास और क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो चीज हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं ड्रैगन्स। अब ये ड्रैगन्स कौन से कुछ पता नहीं चल रहा, ये ड्रेक है भाई और पता नहीं कितने लेवल का है, अभी सो रहा है ये। वैसे तो ज्यादातर ड्रैगन जो है ना दिन में जगे रहते हैं, ये पता नहीं क्यों दिन में सो रहा है भाई। ओके, एक वहां पे नेस्ट है ड्रैगन का, मुझे लगता है कि मुझे, ओ भाई ये क्या बकरी। ओके, इससे मुझे लेदर भी मिला, मीट भी मिला, प्लस वूल भी मिला। अरे भाई गोट तो फिर सही है यार, हमारे नॉर्मल शिप से तो अच्छी है भाई ये। शिप सिर्फ में वूल और मीट देती है, और ये तो वूल, मीट और लेदर तीनों चीजें दे रही है भाई। साथ के साथ गाइज अब मेरे को जो ड्रैगन के एग मिलते रहेंगे ना, मैं उनको उठाता रहूंगा, क्योंकि अभी से ही कलेक्शन शुरू करेंगे तब जाके हमारा कलेक्शन कंप्लीट होगा। मेरे पिछले सीजन में भी जो ड्रैगन एग का कलेक्शन था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कोशिश करेंगे कि इस सीजन में कंप्लीट हो जाए वो। भाई ये क्या है, वाइट वाइट, ओ भाई ये तो ब्लेज छोड़ रहे हैं भाई, लोल ये कैसे ब्लेज है भाई। ओके, इससे क्या मिला मुझे, इससे स्नोबॉल मिला भाई, ये तो बेकार की चीजें हैं, ये स्नो वाले आग फेंक रहे हैं भाई, अजीब है ये चीज तो। ओके, मुझे इनको जल्दी मारना पड़ेगा वरना ये मेरे को फेल देंगे भाई यहाँ पे। ओ ये क्या है, आइस मेज, अरे भाई ये क्या फेंक रहा है, स्लोनेस दे दिया इनने मेरे को भाई, ये कुछ तो फेंक रहा है, ये जाने नहीं देगा ऐसे तो, मुझे फंसा लेगा, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा भाई। अरे मैं तो इसके पास जा ही नहीं सकता भाई। ओके, मैं कूद कूद के जा सकता हूँ इसके पास, आ जा बेटा तू भी क्या याद रखेगा। इसने कुछ ड्रॉप किया, देखना पड़ेगा क्या किया है, इसने कुछ नहीं ड्रॉप किया भाई, वाह इससे तो फाइट लेना बेकार है मतलब। भाई ये क्या है सामने, ये कुछ अलग तरीके का जानवर लग रहा है, पोर्शुपाइन, पोर्कुपाइन, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये क्या कांटे फेंकती है, लेट मी चेक, अरे हाँ ये कांटे फेंक रही है क्लोज जाने पे। ओके ये वन शॉट में मर गई। ओके ये कांटे फेंक रही थी क्लोज आने पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे मुझे, बस मेरा एक ही हार्ट गया। देखो वो आइस मेज यहाँ पे भी है, मतलब ये मुझे पूरे ओवर वर्ल्ड में मिलेंगे। ठीक है भाई, पहले इनको देखते हैं ये क्या चीज है, मूस। ओके ये मूस है, मतलब ये हिरन की प्रजाति का है, और ये तो आई थिंक मेल है क्योंकि इसके सींग है, और आई थिंक वो फीमेल थी क्योंकि फीमेल के सींग नहीं होते। ओके ठीक है, ये मेल और फीमेल है भाई। अरे भाई ये कांटे वाले यहाँ पे कितने सारे हैं, निकल लो भाई यहाँ से तो। और ये क्या चीज है भाई, वेट क्या ये, अबे यार ये आइस मेज फिर से आ गया यार, शिट। अरे वहां पे एक से ज्यादा आइस मेज है भाई, और देखो वो हिप्पो है, ये कॉमन हिप्पो है भाई, और वो सो गए, मतलब रात हो गई शायद से। ओके हाँ भाई रात होने जा रही है, मतलब ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, और मैं घर से काफी दूर आ गया हूँ। ओके ये किस तरह का बायोम है भाई, ये बायोम तो बहुत ही ज्यादा अलग सा है, मतलब येलो येलो सा बायोम है ये, इसका नाम क्या है भाई, इस ब्लॉक का उठा के देखता हूँ। अरे ये डर्ट तो नॉर्मल है भाई, ये कौन सा फ्लावर है, इससे पता चलेगा आई थिंक, ऑर्चिड, क्या इससे डाई बनेगी, नहीं ये तो कुछ अलग तरीके का बायोम है भाई। यहाँ के पेड़ भी बहुत अलग है, येलो येलो कलर के पेड़ है यहाँ के,
और यहाँ पे मोप्स नहीं दिख रहा मुझे एक भी। ओ भाई इतनी सारी काओ, वो भी इस बायोम में। चलो ठीक है भाई, इनको मार लेते हैं, अपना फायदा हो जाएगा। ये वन शॉट में मर रही है भाई काओ, वन शॉट किल, नॉट अ बिग डील। भाई ये वर्ड कितना कम अब सुनने को मिलता है मेरा। आई होप कि हम इसमें ऐसे गियर्स तो बना लेंगे हम हर एक मोब के साथ ये वाला डायलॉग बोल सके, वन शॉट किल। तो भाई कितना अच्छा लगेगा यार। वैसे यहाँ पे बहुत सारी काव है, इन सबको मार लेता हूँ मैं। वैसे यार ये जगह बहुत प्यारी है यार, यहाँ पे एक भी मोब स्पॉन नहीं हो रहा है। ये कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मशरूम बायोम जो होता है, वहां पे भी एक भी जानवर नहीं आता भाई वहां पे भी। तो ये बायोम भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काओ है। ये काओ वैसे मशरूम वाले बायोम वाली काओ तो नहीं है, नॉर्मल वाली है। बट भाई ये बायोम मेरे को बहुत पसंद आया। मैं सोच रहा हूँ कि यार यहीं पर ही अपना घर बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं सारा सामान यहाँ पे अपना ट्रांसफर कर लूंगा, कितना सही लगेगा यार। देखो यहाँ पे एक भी मोब स्पॉन नहीं हो रखा भाई, और खाना ही खाना है भाई चारों तरफ। ये क्या गिराया इसने? ओके लूट पाउच दिया इसने। भाई खाने के तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली यहाँ पे। मतलब मान लो कोई मैं ड्रैगन पालता हूँ और ड्रैगन को मैं बड़ा करना चाहूंगा, जैसे छोटा ड्रैगन उसको बड़ा करना चाहूंगा, भाई मुझे तो फार्म बनाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। यहाँ पे इतनी सारी काउज है देख रहे हो, मेरे को फार्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जस्ट 15 मिनट के लिए निकलूंगा और मेरे को बहुत सारा फूड मिल जाएगा, जिससे मैं बहुत सारी ड्रैगन ट्रीट बना सकता हूँ और अपने ड्रैगन को बड़ा कर सकता हूँ। वो ये क्या है भाई, जैगवार? ओ भाई अटैक तो नहीं करेगा? और डेफिनेटली सी बात है ये अटैक करेगा मुझ पे अगर मैं इसके क्लोज जाऊंगा तो। बट मैं इसके क्लोज नहीं जाना चाहता भाई। फिलहाल यहाँ पे कंगारू भी है। ओ भाई कितना क्यूट लग रहा है। ओ भाई यहाँ पे कंगारू वंगारू सब चीजें हैं भाई। ये जगह बढ़िया है यार, मस्त है, एक नंबर की। वैसे मुझे एक ड्रैगन तो चाहिए चाहिए यार, क्योंकि मैं अपना सामान वगैरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करूंगा। मेरा घर वैसे भी काफी दूर है, तो मेरे को यहाँ पे अगर अपना सामान ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो मेरे को एक ऐसी चीज तो चाहिए होगी जिससे मैं उड़ के जा सकूँ और उड़ के आ सकूँ। बट यार अभी ड्रैगन ट्रीट भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास बोन्स नहीं है। बोन्स लगती है ड्रैगन ट्रीट बनाने के लिए। मान लो अगर मेरी तलवार में लूटिंग लगाओ तो भाई फिर तो और भी ज्यादा फार्मिंग हो जाएगी यहाँ पे। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक ड्रैगन देखा है भाई, और वो बी ड्रैगन है। तो देखते हैं भाई क्या मैं उसका अंडा चुरा पाऊंगा। वो बहुत ही खतरनाक होता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है ये वाला ड्रैगन। बट क्या मैं इसका एग उठा पाऊंगा, लेट मी चेक। ओके देखो वो रहा वो ड्रैगन, बी ड्रैगन है ये, और ये दिखने में बहुत ही क्यूट होता है। और ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है भाई, हनी कॉम्ब? ये हनी कॉम्ब भाई, इससे कुछ बनेगा? नहीं इससे कुछ नहीं बन रहा भाई। छोड़ो फिर मैं ऊपर निकलता हूँ, मेरे पास थोड़े ही ब्लॉक है ऊपर जाने के लिए, तो मुझे थोड़ा देख के जाना होगा। ओके मैं इसके पैरों के नीचे आ गया हूँ बिल्कुल भाई, और ये ड्रैगन का एग मैं उठा लेता हूँ। आई होप कि मेरे पे एग्रो ना हो। ओके देख रहे हो गाइस कितना क्यूट लग रहा है भाई, कितना सुंदर है ये ड्रैगन भाई। तो ये 100 लेवल का है भाई पूरा ये ड्रैगन, और इसका एग मुझे मिल गया है, बी एग। तो अब यहाँ से निकलने में ही फायदा है, चुपचाप निकल लेता हूँ मैं, क्योंकि अंडा तो मेरे को मिल ही गया है। लेट्स गो, अब बस अपने को इसको हैच करना है, अपना इजीली सामान ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे इस वाले बायोम में। चलो भाई घर पे हम आ गए हैं, अब बस देखना ये है हमें कि अपने अंडे को हैच करवाना है और इसमें से जल्दी से ड्रैगन निकालना है भाई, ताकि हम यहाँ से फटाफट निकल सके इस जगह से। पहले तो यार देखना पड़ेगा ये अंडा कौन से इंक्यूबेटर में हैच होगा, आइस वाले में या फिर फायर वाले में। आई थिंक ये आइस वाले में होगा, क्योंकि यार ये अच्छा अंडा है। जो थोड़े कम एग्रेसिव ड्रैगन होते हैं ना, वो वैसे वाले में ही हैच होते हैं, यानी कि आइस वाले में। और जो फायर, जो तगड़े ड्रैगन होते हैं वो फायर वाले में होते हैं। वैसे यार इसको लेकर मैं सच में कंफ्यूज हूँ भाई, ये किस में होगा? तो भाई इनक्यूबेटर जो है वो आइस वाला, उसके लिए भाई या तो आइस चाहिए होगी या फिर पैक्ड आइस चाहिए होगी। और भाई मेरे पास आसपास आइस का बायोम है भाई, इसका मतलब मैं आइस तो ला ही सकता हूँ। चलो यार पहले फटाफट भाग के ना आइस का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि तभी तो मैं इनक्यूबेटर बना पाऊंगा। और भाई ये पाउच खोल के देख लेते हैं इसमें क्या सरप्राइज मिलेगा अपने को। डेमोनिक बोन, इससे क्या बनेगा? इससे एक डेमोनिक स्वॉर्ड बन रही है, और कुछ डेमोनिक डस्ट बन रही है, जिससे डेमोनिक बॉम्ब बना सकते हैं हम। और भाई इतना सारा जो खाना मैं लेके आया हूँ, उसमें से थोड़ा बहुत खाना मैं पका लेता हूँ, क्योंकि खाना तो भाई अपने को चाहिए ही चाहिए।
अभी आइस ढूंढने जाऊंगा तब भी मेरे को भाई थोड़ा लंबा चलना पड़ सकता है, तो खाना मेरे को ज्यादा चाहिए होगा और बाकी का खाना मैं रख देता हूँ। चलते हैं भाई आइस का जुगाड़ करने के लिए। ओके गाइस, तो भाई मैं स्नो के बायोम में तो आ गया हूँ, अब यहाँ से बस आइस लेनी है। लेकिन एक चीज की दिक्कत हो गई है गाइस, आइस मैं ले नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि जो आइस है ना वो आप सिर्फ और सिर्फ सिल्क टच से ही ले सकते हो, और मेरे पास तो सिल्क टच है ही नहीं भाई, तो मतलब मैं आइस नहीं ले पाऊंगा भाई। बट अपने पास एक चीज का और जुगाड़ है भाई, देखो मेरे को ना एक ड्रैगन का नेस्ट दिखा है, जो कि आई थिंक ये शायद से आइस ड्रैगन हो सकता है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे पैक्ड आइस है और आई थिंक पैक्ड आइस को हम बिना सिल्क टच वाली पिकेक से भी ले सकते हैं। तो लेट मी चेक, पहले चेक करके देख लेता हूँ भाई क्या मेरे को मिलेगी ये आइस। तो चलो भाई देख लेते हैं। ओके, मुझे ये वाला आइस भी नहीं मिल रहा है भाई, मतलब मेरे को आइस के लिए सिल्क टच ही चाहिए होगा। और भाई ये ड्रैगन ना सो रहे हैं, और ये सार्ड है भाई, ये थोड़ा खतरनाक ड्रैगन होता है, मतलब ये हमें जमा के मार सकता है। तो मैं चुपचाप स्नीक करके जाता हूँ और भाई इसके अंडे उठा के लेके आता हूँ, क्योंकि चुपचाप जाऊँगा तभी मैं यहाँ के अंडे उठा सकता हूँ, अगर वैसे गया तो डेफिनेटली मेरे को मार देंगे। तो यहाँ से भाई चुपचाप इनका अंडा उठा लेते हैं, लेट्स गो। अंदर मैं आ गया हूँ। ओके, अंडा मेरे को मिल गया है। और क्या मैं ये आइस ले सकता हूँ? ओके, मैं आइस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ यहाँ से शॉर्टकट जरूर मार सकता हूँ। चलो भाई लेट्स गो। तो गाइस अंडा मेरे को मिल गया है शार्ड का, बट भाई मेरे को आइस नहीं मिली है, तो आइस के लिए अपने को सिल्क टच का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से आइस ले सकते हैं। तो चलो भाई वापस घर की तरफ निकलते हैं फिर, क्योंकि अभी तो आइस ले ही नहीं पाएंगे हम। तो भाई सुबह हो गई है, मेरे को ट्रैवल करते करते आइस तो मैं लेके नहीं आ पाया, लेकिन हाँ मैंने ऑब्सीडियन निकाल लिया भाई, क्योंकि इस पिकैक्स से मैं ऑब्सीडियन निकाल सकता हूँ, क्योंकि डायमंड लेवल की माइनिंग करती है ये वाली पिकैक्स। हम आइस वाला इंक्यूबेटर तो बना नहीं सकते, लेकिन हाँ हम फायर वाला इंक्यूबेटर जरूर से बना सकते हैं, बस अपने को एक बकेट बनानी होगी। तो यहाँ से भाई मैं 3 ये ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो लावा अपने को मिल गया है भाई, ये रहा अंदर दबा हुआ है। चलो लावा मिल गया, घर निकलते हैं भाई। ये शुगर केन मैं अपने घर के आसपास ही उगा देता हूँ। तो भाई अभी बना लेते हैं हम सबसे पहले एक इंक्यूबेटर, जो कि होने वाला है लावा का इंक्यूबेटर, और इसको लगा लेते हैं फिलहाल यहाँ पे, मतलब कहीं पर भी लगा सकते हैं फिलहाल तो इसको हम। और इसके अंदर ये एग, हम कोई सा भी एग डाल सकते हैं, मतलब इन दोनों में से फिलहाल तो इन दोनों में से कोई सा भी एग इसमें नहीं डलेगा भाई, क्योंकि इसके लिए चाहिए होगा अपने को फायर का एग, मतलब फायर वाले ड्रैगन का एग चाहिए होगा, तब जाके इसमें इंक्यूबेट होगा। और इसको मतलब फुल करने के लिए इसमें लावा भी डालना पड़ेगा, मतलब इसको इग्नाइट करने के लिए लावा डालना पड़ेगा और इसमें अंडा डालना पड़ेगा, तब जाके भाई इसके अंदर जो अंडा है वो इंक्यूबेट होना शुरू होगा। और इस तरीके से अंडा डालेंगे ना, तो देखो वो अंडा यहाँ से दिखता भी है भाई, मतलब कितना सही लग रहा है यार ये एनिमेशन, कितना बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त। तो भाई बाकी का प्रोग्रेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं अपने लिए घर भी बनाने वाला हूँ, एक ड्रैगन भी बड़ा करने वाला हूँ, साथ में मेरे को एक बहुत तगड़ी चीज मिले जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ऑसम एडवेंचर करने वाली है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, एंड यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए भाई। और भाई आज का शाउट आउट जाता है उमेश कुमार और धीरज 256 को, और अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।